नारायण है और मैं डॉक्टर नीरज शर्मा की पत्नी हूँ। मेरी शादी 20 फरवरी 2011 को हुई थी डॉक्टर नीरज शर्मा से, इलाहाबाद में हुई थी ये शादी। और मैं 13 जुलाई 2019 से लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हूँ। मैं बार बार यहाँ आती जाती रहती हूँ लेकिन मुझे घर में घुसने कभी नहीं दिया जाता है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? मेरे पति डॉक्टर नीरज शर्मा मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। आज क्या हुआ, क्या वजह है? इसकी वजह इनके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। आज हमारे रिश्तेदार आए हुए थे इनसे मिलने के लिए। मैं कार में बैठी हुई थी और जो ही इन लोगों ने वार्ता शुरू किया कि आपकी पत्नी आई है, आपसे कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, कुछ बातें आपस की होना चाहती है जो सिर्फ हम अपने केबिन में बैठ के बात कर सकते हैं, तो इस पर उन्होंने, जहां उन्होंने मेरा नाम सुना तत्काल ही उन्होंने वो वायलेंट हो गए और हमारे रिश्तेदारों को पीटना शुरू किया। और अभी और उसके बाद जो है तब उसके बाद हम जो है पुलिस बुलाए और हम थाने आए हैं। आपके बच्चे भी हैं? मेरा एक मेरी एक बेटी है जो 21 सितंबर 2012 को पैदा हुई थी और वो उसको एक्स्ट्रा जिस महिला के साथ उनके संबंध है उस महिला के साथ वो बच्ची रहती है। मेरी बच्ची भी मुझसे छिन गई है। मैं कोतवाली में क्या करने आई है, क्या उम्मीद? मैं ये उम्मीद ये की हूँ कि भाई मुझे हमारे पति के बीच में वार्ता कराई जाए, सारे जितने भी इश्यूज हैं सारे क्लियर किया जाए और उनको ये बताया जाए। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा परिवार इकट्ठा हो, क्या प्रॉब्लम है, हम सारे प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आज आप गई हॉस्पिटल पे तो क्या हुआ? मैं अभी कार में बैठी थी, मेरे रिश्तेदार गए हुए थे, जो मतलब आप हमारे रिश्तेदार हैं तीन और हमारे भाई गए थे, दो और रिश्तेदार गए थे। अब मैं अभी कार में बैठी थी, ये लोग कहे कि ठीक है अभी डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब अभी थे नहीं, डॉक्टर साहब आए एक महिला के साथ और जो केबिन में प्रवेश किए, आप लोग केबिन में गए और वहाँ जा कर के आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप, हम्बल रिक्वेस्ट था कि आपकी पत्नी आई हुई है, डॉक्टर साहब प्लीज़ उनसे बात कर लीजिए, कुछ पर्सनल बात है, आपस की चीज़ें हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों बात करके सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लें। लेकिन इसके जो उन्होंने कहा, अभी मैं कार में ही बैठी